पिछले लेक्चर में देखा हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ थ्री फेज पार्ट्स, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में क्या देखा आपने, पॉजिटिव सीक्वेंस देखा, नेगेटिव सीक्वेंस देखा, जीरो सीक्वेंस देखा। पॉजिटिव सीक्वेंस होगा ए वन बी वन सी वन, ये आपके पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया। अगर बी ए वन बी 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 वन और बी सी वन, ये क्या है पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, बी ए टू बी बी टू बी सी टू, ये क्या है नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेजेस। बी ए जीरो बी बी जीरो बी सी जीरो, ये क्या है नेगेटिव सीक्वेंसेस, जीरो सीक्वेंसेस वोल्टेज है, ठीक है। तो ए वन हो गया पॉजिटिव वाला, ए टू हो गया नेगेटिव सीक्वेंस, और जीरो हो गया आपका ये जीरो सीक्वेंस करंट, ठीक है ना। लाइक वाइज जेड जीरो जेड वन जेड टू, ये जीरो वन टू और जीरो पॉजिटिव सेकंड और नेगेटिव सीक्वेंसेस इंपीडेंसेस है, ठीक है। तो ये आता क्या भाई हमारे, ये आते हैं पार्ट्स के दौरान, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में आपका सिंपल वो आर वाई बी करंट फ्लो करेगा, जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है वही आपका फेस करंट रहता है, ठीक है। नॉर्मली आप तो अगर विदाउट फॉल्ट की बात करते हैं, सिर्फ फॉल्ट के दौरान ही आपके नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस करंट्स और वोल्टेजेस आएंगे, ठीक है। ये चीज थोड़ी याद रखनी है आपने, ओनली ड्यूरिंग फॉल्ट्स तब नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंसेस विल कम, ठीक है। और जीरो सीक्वेंसेस करंट और वोल्टेजेस कब आएंगे, जब फॉल्ट के बीच में ग्राउंड का कनेक्शन होगा, ठीक है ना। जब ग्राउंड का कनेक्शन नहीं है तो उस दौरान जीरो सीक्वेंसेस करंट और वोल्टेजेस नहीं आएंगे, ठीक है ना, फॉल्ट्स में नहीं आएंगे जब जीरो ग्राउंड कॉन्टैक्ट नहीं है। तो अगर लाइन टू लाइन फॉल्ट है तो उसके अंदर जीरो जीरो सीक्वेंस करंट नहीं आएंगे, उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंसेस करंट और वोल्टेजेस आएंगे, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम फॉल्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब फॉल्ट्स क्या आते हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में करंट कैसे निकालना है, वोल्टेज कैसे निकालना है और इंपीडेंस कैसे निकालनी है, वो था सिमेट्रिकल कंपोनेंट। सिंपली सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के जो फार्मूले वो कहां पे यूज करेंगे, हम वहां पे करेंगे जहां पे सिमेट्रिक टोटल सिमेट्रिकल फॉल्ट हो रहे हैं। टोटल सिमेट्रिकल फॉल्ट कुछ में आएंगे आपके थ्री फेज फॉल्ट आएंगे, जिसके अंदर तीनों लाइनें जुड़ रही हैं, तीनों लाइनें आर वाई बी और तीन लाइन इकट्ठी जुड़ गई हैं, उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट। जहां पे तीनों लाइनें इकट्ठी जुड़ने के बाद ग्राउंड के साथ टच कर रही हैं, उसको भी बोलेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट, थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। तो थ्री फेज टू विदाउट ग्राउंड और थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट किसमें आएंगे, सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में आएंगे, ठीक है। तो बाकी सिंगल लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन फॉल्ट किसमें आएंगे, जाएंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस हो गया मतलब अगर 100 फॉल्ट होते हैं मतलब एक पूरे एक एरिया में, तो उसके अंदर इसकी परसेंटेज कितनी होगी, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की कितनी परसेंटेज होगी, थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट की कितनी परसेंटेज होगी ऑकरेंस की। मतलब अब मानते हैं अगर 100 फॉल्ट हो रहे हैं, अब सिमेट्रिकल फॉल्ट्स की बात करता हूं, अगर 100 फॉल्ट हो रहे हैं, 100 में से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 2% फॉल्ट होने की किसकी, थ्री फेज फॉल्ट होने की 2% प्रोबेबिलिटी है। तो 2% प्रोबेबिलिटी थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट की 2% प्रोबेबिलिटी है, 100 में से 2 बार फॉल्ट किसके होंगे, और थ्री फेज टू ग्राउंड विदाउट ग्राउंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2% प्रोबेबिलिटी है। तो 100 में से 2 फॉल्ट इन दोनों के हो सकते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर 4% हो गए। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी प्रोबेबिलिटी है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी। ये कई बार पूछते भी हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर 100 फॉल्ट हो गया, 100 में से 85% फॉल्ट किसकी, कौन से होंगे, सिंगल लाइन टू ग्राउंड। सिंगल लाइन टू ग्राउंड हो गया मतलब आर बाई बी में से कोई भी एक पास सीधे ग्राउंड के साथ टच कर रहा है, तार टूट के जो ग्राउंड के साथ जमीन के साथ टच होती है उसको हम सिंगल लाइन ग्राउंड बोलेंगे। आर भी टूट के ग्राउंड के साथ गिरी हुई है उसको भी सिंगल लाइन बोलेंगे। अगर वायर की जगह वायर टूट के जमीन के साथ गिरी हुई है तो उसको भी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोलेंगे। कोई भी एक तार फेस की तार टूट के सीधे ग्राउंड टूट रही है तो वो 85% फॉल्ट होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सबसे ज्यादा। और लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट और इसी के लाइन टू लाइन फॉल्ट को भी और फेस टू फेस फॉल्ट, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं फेस टू फेस फॉल्ट को भी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8%। मतलब दो फेस आपस में जुड़ रहे हैं, आर जुड़ गया बाई के साथ, बाई जुड़ गया बी, अब आर आर और वाई दोनों आपस में जुड़ गए, जब वाई और बी आपस में जुड़ गए मतलब दो फेस आपस में जुड़ने वाले फॉल्ट कितने हो गए, 8% होंगे। और डबल लाइन टू ग्राउंड मतलब दो फेस आपस में भी जुड़े हैं और नीचे जमीन के साथ भी टच हो रहे हैं, उस फॉल्ट को उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5% प्रोबेबिलिटी है उस फॉल्ट की, ठीक है। तो ये हमारे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्ट्स, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी प्रोबेबिलिटी है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की 85%, उसके बाद कितनी है डबल फेस की आपस में आर और वाई जुड़ने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 8%, और दो आपस में जुड़ने के बाद ग्राउंड से टच करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5%। तो ये था प्रोबेबिलिटी के बारे में, अब इसको हम हटाते हैं और बाकी हम देखते हैं इसकी, अभी देखेंगे हम इसको सॉल्व थोड़ा बहुत कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, अगर जिसमें हमने जेड सीक्वेंस देखेंगे कितना जीरो सीक्वेंस कितना होगा, जहाँ बी ए जीरो बी ए वन और बी ए टू किसके बराबर होगा, वो हम थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मानते हैं एक जनरेटर है, जनरेटर के अंदर एक आर फेस होगा, एक बाई फेस होगा, एक बी फेस होगा, ठीक है, तीन फेस जनरेटर है और ये सॉलिडली ग्राउंडेड है,
सॉलिड ग्राउंड मतलब इसका जो न्यूट्रल है वो ग्राउंड किया हुआ हमने, तो अगर उसकी न्यूट्रल ग्राउंड के बीच में हमने छोटी सी इंडक्टेंस लगाई है जिसकी वैल्यू है Zn, क्या वैल्यू है उसकी Zn वैल्यू, ठीक है। तो अगर इसको लेते हैं तो इसके बाद में हम इसको थोड़ा बहुत देखेंगे हम डेरिवेशन में। अब ये देखो, अब इसमें जो वोल्टेज है इसको मान लो फेस की वोल्टेज, जो आर फेस की वोल्टेज है उसको अगर ईए मानते हैं तो उसकी वोल्टेज किसके बराबर होगी। अब देखो बिना बिना पार्ट के बात करते हैं, बिना पार्ट में क्या होगा, जो ईए ईए माइनस आई ए वन, आई ए वन क्या है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, जेड वन क्या है पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, तो ये क्या है केवीएल। अगर केवीएल लगाए जो वोल्टेज ला लगाते हैं तो वी ए वन इक्वल टू ईए माइनस इसकी ये माइनस आई ए जेड, ठीक है ना, आई ए जेड वन आई ए वन। तो अब देखो अब फॉल्ट हुआ नहीं है, जब फॉल्ट नहीं हुआ तो कौन सा करंट फ्लो करेगा, मैंने पहले आपको बताया सिर्फ पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव करंट फ्लो किसके बराबर होगा वो होगा आपके फेस करंट के बराबर, तो वही है। तो इसके अंदर ये आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा वी ए वन इज इक्वल टू ई ए ठीक है, ये आ गया इसके बराबर वी ए वन इज इक्वल टू ई ए माइनस आई ए वन इंटू जेड वन, तो ये इसके बराबर आ गया। लाइक वाइज वी ए टू किसके बराबर होगा, ये मतलब ये आ गया आपका VA2 किसके बराबर है EA2 माइनस IA2 इनटू Z2, तो ये नेगेटिव सीक्वेंस की भी बात कर रहे हैं हम, नेगेटिव सीक्वेंस का जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा EA2 तो है नहीं क्योंकि फॉल्ट नहीं हुआ, तो इस EA2 किसके बराबर होता है EA2 जीरो होता है, अब बिना 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 फॉल्ट के, तो VA2 किसके बराबर होगा VA2 होगा हमारा माइनस IA2 इनटू Z2। लाइक वाइज अब जीरो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज की बात करेंगे VA0 की, ये अगर VA2 क्या होगा नेगेटिव सीक्वेंस VA1 क्या आएगा पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, ठीक है ना, पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज किसके बराबर आएगा फेस वोल्टेज माइनस IA1 इनटू Z1, IA1 क्या है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और Z क्या है पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। लाइक वाइज नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज किसके बराबर आएगा EA2 माइनस IA2, EA2 जीरो होगा इसमें नेगेटिव क्योंकि फॉल्ट हुआ नहीं है, तो ये किसके बराबर होगा ये होगा VA2 किसके बराबर माइनस IA2 इनटू Z2, मतलब नेगेटिव सीक्वेंस करंट इनटू इंपीडेंस नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। अब वी ए जीरो की बात करेंगे हम, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज वी ए जीरो, इस जीरो सीक्वेंस वोल्टेज किसके बराबर होगा ई ए जीरो माइनस आई ए जीरो, अब ग्राउंड के साथ तो कोई फॉल्ट हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो आई ए जीरो भी जीरो होगा, तो वी ए जीरो किसके बराबर होगा आई ए जीरो इंटू जेड जीरो, ठीक है। तो यही हम आगे अभी सॉल्व करेंगे, एस एन जी फॉल्ट यूज करेंगे उसके अंदर हम ये देखेंगे। हम इससे हमें क्या मिला, ये जो हमने डायग्राम हमने सॉल्व की है तो इसमें क्या मिला, हमें मिला VA, VA1 किसके बराबर है VA1 होगा फेस फेस वोल्टेज माइनस IA1 इनटू Z1, ठीक है, जो क्या था वो जे आर ये वाला आ गया, ठीक है। और क्या मिला हमें, फिर VA2 मिला हमें नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज किसके बराबर होगा माइनस IA2 इनटू Z2, ठीक है। लाइक वाइज हमें जीरो सीक्वेंस वोल्टेज कितना मिला, वो मिला हमें माइनस IA0 इनटू Z0, ठीक है। तो ये हमें तीनों चीजें मिली हैं, ये जो हमें ये सॉल्व करने के बाद ये जो इक्वेशन पूरी सॉल्व की हमें ये तीनों चीजें मिली हैं, इन्हीं को हम आगे यूज करेंगे अपने एसएलजी फॉल्ट को एनालाइज करने के लिए, डीएलजी फॉल्ट एनालाइज करने के लिए, फेस टू फेस फॉल्ट एनालाइज करने के लिए वो चीजें हम यूज करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो इसमें, तो अब देखो बिना फॉल्ट जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, बाकी सारे क्या है बाकी सारे नेगेटिव में है, उसके अपोजिट में चलते हैं। पहले पिछले लेक्चर में मैंने बताया अगर पॉजिटिव सीक्वेंस करंट की जो है रोटेशन है अगर ऐसी है तो नेगेटिव सीक्वेंस की रोटेशन ऐसी हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, जीरो सीक्वेंस की रोटेशन में फेज एंगल उसका जीरो रहता है जीरो सीक्वेंस का, ठीक है, इतना आगे समझ, ठीक है। एक और चीज मैं थोड़ी सी नोट करने वाली थी, जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस किसके बराबर होगा, तो जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस किसके बराबर होगा वो होगा अगर तीनों जो है जेड जीरो जेड वन जेड टू तीनों के लिए अलग अलग इंपीडेंस होगी, तो न्यूट्रल इंपीडेंस क्या होगी तीनों के लिए बराबर होगी, तो मल्टीप्लाई बाय थ्री हो जाएगा, तो प्लस इनटू जो उसकी नेचुरल इंपीडेंस जीरो सीक्वेंस की इंपीडेंस होगी इसकी जनरेटर की, तो ये आ गया हमारा जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस, ठीक है, ये इधर भी लिखा होगा ये है ओवरऑल जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगी थ्री जेड थ्री जेड वन आ गया ये वाला जेड जो सॉलिडली ग्राउंड हमने थ्रू इंडक्टर किया है वो आगे जाए, तो ये तीनों फेसिस पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस के लिए थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस जीरो सीक्वेंस तो उसकी नेचुरल जीरो इंपीडेंस होगी जनरेटर की, तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर न्यूट्रल वोल्टेज देखेंगे न्यूट्रल वोल्टेज किसके बराबर होगी, न्यूट्रल वोल्टेज अगर देखते हैं वो होगी माइनस थ्री आई नोड इंटू जेड नोड, आई नोड मतलब जीरो, न्यूट्रल वोल्टेज किसके बराबर होगी जो इधर आएगी
किसकी होगी माइनस थ्री आई ए नॉट, क्योंकि जीरो सीक्वेंस इसमें से जाएगा और जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक जीरो सीक्वेंस करंट नेचुरल न्यूट्रल इम्पीडेंस के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये इधर लिखा भी है मैंने इधर थ्री इंटू आई ए नॉट चार नॉट, ठीक है। तो दूसरी चीज हमें क्या नोट करने वाली थी, इसमें पॉजिटिव सीक्वेंस हमेशा फ्लो करेंगे, फॉल्ट में फ्लो करेंगे, विदाउट फॉल्ट भी फ्लो करेंगे। जीरो सीक्वेंस कब आएंगे हमारे इसके अंदर, जीरो सीक्वेंस आएंगे जब हमारा फॉल्ट विद ग्राउंड होगा, ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आएगा, फिर हमारा जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करेंगे, करंट और वोल्टेज फ्लो करेंगे। नेगेटिव सीक्वेंस भी नेगेटिव सीक्वेंस करंट जो है हर एक फॉल्ट में फ्लो करेंगे, ठीक है। जीरो सीक्वेंस सिर्फ कब फ्लो करेंगे जब न्यूट्रल आएगा हमारा उसके अंदर प्ले में आएगा, ठीक है। तो यही है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट किसके बराबर होंगे वो हमारे, ठीक है। अब ये आगे अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, अभी आगे जेड जीरो किसके बराबर है, जेड जीरो आया हमारा थ्री जेड एन, जेड एन हमारा क्या था जो न्यूट्रल के थ्रू हमने ग्राउंड किया हुआ था इसको, ठीक है ना। ये वाला अगर इसके अंदर हमने न्यूट्रल लगा रखा है, अगर इंडक्टेंस लगाया है तो वो थ्री एन प्लस जेड इसकी अपनी जनरेटर की अपनी जेड जीरो बोलते जनरेटर की अपनी जीरो सीक्वेंस जो इम्पीडेंस है वो उसके बराबर होगा, और न्यूट्रल वोल्टेज किसके बराबर होगी माइनस थ्री आई ए जीरो इंटू जेड एन। जेड एन हमारा क्या है उसका उसकी जो रिएक्टेंस जो उसमें ग्राउंड में लगा रखी है हमने न्यूट्रल के थ्रू, ठीक है, वो रिएक्टेंस मल्टीप्लाई इंटू जीरो सीक्वेंस करंट मल्टीप्लाई थ्री, ये आ गया, ठीक है। अब इसको इनको रेंट लेते हैं क्योंकि अभी आगे काम आएगी ये चीज़ें। अब ये चीज़ें मैंने कहा इधर लिख दी हुई हैं, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा हमारे लिए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन उठाने के लिए बता देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड, अब एक फार्ट हम स्टडी करेंगे सिंगल लाइन टू ग्राउंड, जिसको एस एल जी फार्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फार्ट, ठीक है ना। ये मैंने डायग्राम बनाई है, इसको थोड़ा सा और अच्छे समझाने के लिए, आपके घर के अंदर कितनी तारें आती हैं, तीन तारें चार तारें आती हैं ना, ठीक है ना। चार तार में क्या होता है आर बाय बी और क्या होता है न्यूट्रल रहता है, ये रहता है ना। अब क्या है सिंगल लाइन ग्राउंड किसको बोलेंगे, सिंगल लाइन ग्राउंड बोलेंगे इन आर बाय बी में से तीनों में से एक तार कोई भी एक टूट के सीधे ग्राउंड के साथ टच हो जाए, कोई भी एक तार आर भी टूट सकती है बाय टूट सकती है या बी टूट सकती है, कोई भी एक तार टूट के ग्राउंड में अगर टच हो जाए तो इसको बोलेंगे ये हमारा अगर फॉल्ट, इस फॉल्ट को क्या बोलेंगे ऐसा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम बनाई है ये समझाने के लिए कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्या होता है, वो आपको वायर्स के थ्रू समझा दिया मैंने। इसकी जब डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम मैंने इधर बनाई है, इस डायग्राम को हम देखेंगे अब कैसे है। ये हमारा सिंगल लाइन है, अगर मानते हैं जनरेटर है, अब ये जो आर वाई बी कहाँ से आया, ये जनरेटर से आएगा फेसिस, तो वो हमने ये हमने रिसीविंग एंड पर उतार लिया जहाँ पे फॉल्ट हुआ है, ये हम इसको पूरी एग्जैक्ट पूरी जो हो फॉल्ट की जो डायग्राम है वो बना रहे हैं। तो ये जनरेटर बताया हुआ है, इसके अंदर ये क्या है आर फेस बाय और बी फेस, ठीक है ना। आर फेस के अंदर क्या है ये वोल्टेज, इसकी फेस वोल्टेज होगी और इसकी इम्पीडेंस होगी, वो इधर फॉल्ट अगर हो गया जैसे इधर फॉल्ट हमारा अगर हुआ तो यहाँ पे एक लाइन भी फॉल्ट हो गया, बाकी दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन क्या है ओपन, ये क्या है ओपन, ठीक है ओपन है। तो इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या होगी वो देखेंगे हमने, ठीक है ना। बाउंड्री कंडीशन क्या और इसका हमने जो न्यूट्रल किया है वो सॉलिड ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। सॉलिड ग्राउंड मतलब अच्छे से ग्राउंड क्लियर कर दिया हमने उसकी। तो इसके अंदर क्या है बी वाई और बी बी फेस क्या है ओपन है, तो ओपन में क्या करंट फ्लो नहीं करता है, तो ओपन में करंट नहीं फ्लो करता तो आई बी और आई सी क्या होगा वो जीरो होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये ओपन है, ओपन में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो आई बी और आई सी क्या होगा इसकी बाउंड्री कंडीशन में जीरो हो गया, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ठीक है। तो इसमें कोई फॉल्ट अगर नहीं हुआ तो ये ओपन है, अपने आराम से बैठे हुए नॉर्मल कंडीशन में आई बी और आई सी जीरो है। तो ये फॉल्ट हुआ हमारा ए लाइन पे, ए लाइन में ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, ड्यूरिंग जब शॉर्ट सर्किट में होता है, जब अच्छे से शॉर्ट सर्किट होता है ग्राउंड से टच करता है, तो उस दौरान वोल्टेज हमारी अप्रोक्सीमेट क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, क्या हो जाती है अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाती है। तो हमारी तीसरी बाउंड्री कंडीशन आ गई बी ए क्या आ गई अप्रोक्सीमेट जीरो आ गई, ठीक है। क्यों आ गई, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ग्राउंड फॉल्ट में शॉर्ट सर्किट में और ग्राउंड से जब टच करता है तो वोल्टेज हमारी नियरली क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। तो बी ए क्या आ गई हमारी जीरो, तो बी ए मतलब इस फेस की जो वोल्टेज है वो क्या आ गई, या कि फेस वोल्टेज क्या आ गई फेस वोल्टेज है फॉल्ट जीरो जीरो आ गई। तो ये फेस वोल्टेज फॉल्ट है, मैंने आपको बताया फॉल्ट के तुरंत तीनों करंट फ्लो करेंगे, कौन कौन सा करंट फ्लो करेंगे पॉजिटिव सीक्वेंस करंट नेगेटिव सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस करंट। इसके अंदर क्योंकि फॉल्ट अगर ग्राउंड के साथ टच है तो इसके अंदर जीरो सीक्वेंस करंट भी जीरो सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस वोल्टेज भी फ्लो करेंगे, तो तीनों आएंगे। तो वी ए वन प्लस वी ए टू प्लस वी ए थ्री, ठीक है ना, वोल्टेज पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज और जीरो सीक्वेंस वोल्टेज,
जीरो सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस, ठीक है। तीनों वोल्टेज आएंगे हमारे VA में, VA कहां है, J वाला, ठीक है, ये पूरी वोल्टेज होगा इधर, तो ये आएंगे। J किसके बराबर होना चाहिए, जीरो होने चाहिए, क्योंकि हमने बताया वाला ये कंडीशन VA जीरो होता है, शॉर्ट सर्किट में जीरो होता है। लाइक वाइज अब तीनों करंट इसमें फ्लो करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस फ्लो करेंगे, तो ये सारे एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि एक ही फेज से कॉन्टैक्ट में आ रहा है, एक ही फेज में फॉल्ट है। तो IA1 इक्वल टू पॉजिटिव सीक्वेंस करंट किसके बराबर होंगे, नेगेटिव सीक्वेंस करंट के, नेगेटिव सीक्वेंस करंट किसके बराबर होंगे, जीरो सीक्वेंस करंट के बराबर। तो हर एक फेज में अब ये तीनों बराबर है, जब इनको तीनों बराबर है तो उसका मतलब वन थर्ड हर पॉजिटिव सीक्वेंस में वन थर्ड होगा, नेगेटिव सीक्वेंस में वन थर्ड होगा, जीरो सीक्वेंस में वन थर्ड होगा, किसके वन थर्ड होंगे, जो तुम्हारा आई फेज का करंट जाएगा, आई फेज का करंट किसके बराबर होगा, उसके वन थर्ड होंगे। तो ये मैंने इधर से इक्वेशन जो हमने पहले जो डायग्राम हमने सॉल्व की थी उसके अंदर हमें तीन चीजें मिली थी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो तीन चीजों से हमें क्या मिला, हमें अब देखो इधर VA1 किसके बराबर है, VA, ठीक है। अब VA किसके बराबर है, ये जीरो के बराबर है। तो VA क्या है हमारा, VA में हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट किसके बराबर है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट हमारा VA1 है, ये है ना VA1। तो VA1 किसके बराबर है, पिछले वाली इक्वेशन से EA-IAZ1, EA-IAZ1, ये क्या आ गया हमारा VA1, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद VA2 यहां से लिया हमने, VA2 किसके बराबर, VA2 जहां से आ गया, VA2 क्या है, -IA2 और Z2, ये क्या आ गया, VA2 -IA2 और Z2, ठीक है ना। मतलब IA2 आ गया आप नेगेटिव सीक्वेंस और Z2 क्या आ गया, नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। तो और IA3 VA0 किसके बराबर है, VA0 आ गया -IA0 * Z0, तो ये आ गया हमारा VA0। तो VA0 क्या आ गया, -IA0 * Z0। अब देखो अभी तक हमने क्या लिखा, IA1 = IA2 = IA0, मतलब ये तीनों एक के बराबर है। तो IA1 को क्या लिख सकता हूँ, IA1 को IA0 लिख सकता हूँ, IA2 को भी IA0 लिख सकता हूँ, तो IA0 तो है, तो IA0 हमने कॉमन निकाल दिया, तो Z1 + Z2 + Z0 इधर से आ गया हमारा, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने IA को बाहर निकालते, तो IA की वैल्यू निकाली, जब हमने IA की वैल्यू निकालेंगे तो EA इधर आ जाएगा, तो EA की हमारी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास IA0 किसके बराबर आएगी, IA / Z1 + Z2 + Z0, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, किसमें, जिसमें आएगी हमारी सिंगल लाइन ग्राउंड फॉल्ट में हमारी क्या आ जाएगी, IA0। अब हमें पता है IA0 किसके बराबर है, IA0 क्या है, IA1 के बराबर भी है और ये IA2 के बराबर भी है, ठीक है ना। तो ये हमें पता है, ये सारे एक दूसरे के साथ बराबर है, तो ये हमारे पास करंट आ गया हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस, तो जीरो सीक्वेंस करंट हम इधर से निकाल सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि न्यूट्रल के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, तो न्यूट्रल के अंदर कितना फ्लो करेगा करंट, अब हमें पता है IA1 + IA2 + IA0 ये तीनों किसमें फ्लो करेंगे, न्यूट्रल फ्लो करेंगे, तो ये सारे एक दूसरे किसके बराबर है, वन थर्ड के बराबर है, तो ये आ जाएगा हमारा 3IA0 के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है, ये हमने लिखा है ना IA1 = IA2 = IA3, तो ये सारे क्या हो जाएंगे 3IA0 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, तो हमारा क्या है, IA न्यूट्रल करंट कितना होगा, वो तीनों के मल्टीप्लाई होगा 3×0 सीक्वेंस करंट के बराबर, 3×0 सीक्वेंस करंट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो वो जीरो न्यूट्रल में हमारा करंट इतना फ्लो करेगा। अब तीसरी क्या बात है, अगर ये ग्राउंड नहीं किया होगा, तीसरी कंडीशन क्या है, अगर हमने सॉलिडिटी ग्राउंड नहीं किया होगा, अगर सॉलिडिटी ग्राउंड नहीं किया है, हमारी जो जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। तो इन्फिनाइट होने के कारण हो गया IA0 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर सॉलिडिटी ग्राउंड नहीं किया तो उसमें क्या होगा, IA0 हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को वैसे भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो बस आपको इतना देखने की जरूरत है, IA1 किसको, न्यूट्रल करंट कितना होगा, ट्रिपल ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट, ठीक है ना। तो अगर IA0 क्या होगा, वो वोल्टेज डिवाइड बाय Z1 + Z2 + Z1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें थी हमारी तो देखने के लिए। अब क्या है, हम कई बार पूछते हैं इसको, कई बार बोलते हैं कि इसको वो बनाओ, इसकी इंटरकनेक्शन बना दो, क्या बना दो, इंटरकनेक्शन नेटवर्क बनाओ। इंटरकनेक्शन नेटवर्क बनाने के लिए क्या है, तीन बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या आया था, ये आया था, ठीक है ना, पिछले वाले लाइन में हमने देखा ये फेज वोल्टेज आएगा, फेज वोल्टेज के बाद क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, तो ये आएगा हमारा Z1 और ये आएगा EA।
इसके अंदर से जो वोल्टेज इधर जो वोल्टेज थी वो क्या थी VA, ठीक है। लाइक वाइज हमारा दूसरा वाला इम्पिडेंस आएगा वो क्या था VA, ठीक है। इस पॉजिटिव में जो करंट फ्लो कर रहा था IA1, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा था IA2, तो इसके अंदर जो इम्पिडेंस थी वो क्या थी Z2, ठीक है। इसके अंदर वोल्टेज सोर्स कोई भी नहीं। तो इसके बाद तीसरे में आएगा, तीसरे में Z0, करंट कौन सा आया IA0, वोल्टेज क्या है VA0, ठीक है। इनको इंटरकनेक्ट किया है आपस में, ये तो बनाई गई मैंने डायग्राम, तो IA किसके बराबर होगा, IA0 किसके बराबर 1 बाय 3 IA0, ठीक है, 1 बाय 3 IA, ठीक है। इसके अंदर जो करंट करेगा फेस करंट वो क्या है 1 बाय 3 IA, ठीक है। तो ये कई बार डायग्राम पूछते हैं, इधर बनाई गई इंटरकनेक्शन नेटवर्क सीक्वेंस टू बर्थ फॉर SLG पॉइंट, ठीक है ना। इसमें देखो IA, जो IA करंट फ्लो करेगा, ये वाला जो करंट इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा इसके बराबर 3 I 1 बाय 3 IA इसके बराबर 1 बाय 3 I, फेस करंट का 1 बाय 3 है करंट, ठीक है। तो आज के लिए हमारा यही था। तो इसमें आपने ये चीज नोट करनी है, ग्राउंड पार्ट होगा तो तभी तुम्हारा जीरो सीक्वेंस ग्राउंड के साथ टच होगा तभी जीरो सीक्वेंस फ्लो करेंगे, और बाकी जितने पार्ट है उन सब में नेगेटिव और पॉजिटिव सीक्वेंस फ्लो करेंगे, ठीक है। तो बाकी ये इक्वेशन हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है।